इस ईद पर मेरा बजट है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। 5,000 से 8,000 के दरमियान मुझे बनाने हैं दो ड्रेसेस। आई थॉट टू वेयर समथिंग वेरी डिसेंट, सो आई चोज दीज टू डिजाइन्स। एक एथनिक पर ऑनलाइन है जो कि इन स्टोर अवेलेबल नहीं था एंड इट्स आउट ऑफ स्टॉक। द अदर डिजाइन इज फ्रॉम द ब्रांड लूलू सर एंड इट्स ऑल्सो आउट ऑफ स्टॉक। लेट्स सी आज हम इस फैब्रिक को स्पॉट करके ऐसे ड्रेसेस बनवा सकेंगे या नहीं। ऑफकोर्स दीज आर इंस्पोज, वील क्रिएट समथिंग ऑफ आर ओन काइंड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हमदास ग्राम्स, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज के इस बेहतरीन दिन का आगाज जो है वो एक खूबसूरत सुबह से हुआ जब आसमान पे कुछ कम ही बादल थे, क्योंकि आजकल पिंडी इस्लामाबाद का मौसम जो है उसकी समझ नहीं आती, कभी भी बारिश हो जाती है और ठंड हो जाती है। इसी वजह से रोजे इस दफा के काफी बेहतर हैं और ये मेरी जिंदगी का आई थिंक दूसरा विंटर्स का रमजान है। अभी विंटर्स तो एंड हो गए हैं लेकिन सही तरह गर्मी आ नहीं रही, कभी ठंड हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है। सो इट वॉज अ बिट क्लाउडी और दोपहर में सूरज निकल आया। So I'm gonna wear lawn का ये beautiful printed cord set that's by the brand Suntal, very easy and comfortable to pair for a hectic shopping day। और जैसा कि आप सबके साथ मिलके मैं अपना ई ड्रेस खरीदने जा रही हूँ आज। So it's a local market quick makeup look जो कि बिल्कुल minimal होगी और natural सी होगी। ये मैं आपसे इसलिए share कर रही हूँ because I had loads and loads of requests। So उठने के बाद मैंने फेस लेंस कर लिया, then skin prep with organic travelers toner and B3 followed by this Hilo moisturizer that is my most favorite। As you all know कि I was looking for foundation। और जहाँ तक बात है कि मैं कपड़ों के replica तो promote करती हूँ but skin care में या फिर makeup में कोई किसी किस्म का risk नहीं ले सकते, right? So I do not recommend any kind of replica or a copy in the makeup or skin care products। फिर अक्सर लोग पूछते हैं कि authentic क्या, फिर अगर हमें high end products चाहिए तो पाकिस्तान में कहाँ से लें। उसके लिए मैं जाती हूँ Vegas। By the way don't judge me here, actually मेरे जो brushes हैं वो साफ नहीं थे, इसलिए I'm doing hand applica because I have acne prone skin and I don't take risk। यहाँ मैं जो palette use कर रही हूँ this is my all time favorite, it's an eye cheek and face palette by Milani। दूर से आपको देख के शायद sunlight में skin अच्छी लग रही होगी but I need a facial ईद से पहले। You can see open pores हैं, काफी बुरा हाल हुआ है, so आपके साथ ही कराऊंगी next vlog में, right? इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा contour करूंगी with Laura Mercier's tinted bronzer। It has a very smooth blendable coverage so I like it for normal use। और जो next palette में यूज करने वाली हूँ उसका हशर देख के आपको आइडिया होगा कि ये मेरी कितनी फेवरेट है। ये पिक्सी बाय पेट्रा की आई पैलेट जो कि इनकी कोलैब प्रोडक्ट है हार्ट डिफेंसर जो कि की यूट्यूबर हैं उनके साथ। सो इट हैज ऑल हर फेवरेट शेड्स इन इट दैट आर मिनरल पाउडर फॉर्मूलास इन बोथ शिमर एंड मैट। इसके अलावा मेरी एक और बहुत फेवरेट आई पैलेट है जो कैटवॉन डी की है, आई विल शो यू सम अदर टाइम। राइट नाउ वी आर ऑन अ मिनिमल लुक, सो ये एवरीडे लुक है, इसमें यही प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ डेली बेसिस पे। देन कम्स माय फेवरेट टिंट। दो फेवरेट टिंट्स हैं मेरे, एक बॉडी शॉप का और एक ये वाला। सो एवरीडे बेसिस पे आई यूज मिस रोज का ये टिंट, इवन डियर डार्लिंग भी मुझे बहुत पसंद है। देन यूजिंग माय ऑल टाइम फेवरेट लिप शेड, मैं इसके अलावा कोई और लिप शेड यूज नहीं करती, दिस इज रिवाज का नंबर 7। और अगर फॉर्मली यूज करना हो तो मेरे पास एक शार्लेट एलब्री का शेड, आई विल शो यू, दैट्स माय फेवरेट। और लाइनर में यूज करती हूँ ब्राउन कलर का, ट्रस्ट मी इससे बहुत अच्छी लुक आती है, इट गिव्स योर आईज अ वेरी सॉफ्ट फिनिश। बेसिकली ये जो लाइनर है ये मैंने एक पूरा सेट लिया था, उसमें कलर्ड लाइनर्स थे, आई डोंट रिमेम्बर द कंपनी नेम। नाउ आर एवरीडे मिनिमल लुक इज कंप्लीट। अब बारी है बालों की, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी पूरी लुक में है दैट्स योर हेयर स्टाइल। और मैं नॉर्मली, मेरे बाल बिल्कुल वर्जिन हेयर है, इसको ना मैंने कभी डाई किया है ना कलर किया है, सो आई प्रेफर कि मैं इनको डेली बेसिस पे स्ट्रेट ना करूं जितना अवॉइड कर सकूं, और ऑयलिंग रेगुलर बेसिस पे करती हूं। थोड़ा सा इनको टेम करने के लिए हम सिरम यूज़ कर लेते हैं ताकि फ्रिज कंट्रोल हो जाए। वैसे हेयर पैंट्री का सिरम मुझे बहुत पसंद है बट वो बॉटल टूट के गिर गई, सो आई हैव दिस ऑप्शन राइट नाउ। ये बिल्कुल नेचुरल मेरे सो के उठ के जो बाल होते हैं वो हैं, आई एम जस्ट ब्रशिंग देम राइट नाउ। और सोच रही हूँ कि इनको ऐसे स्टाइल कर लेती हूँ, या तो मिड पार्टिंग मुझे सूट करती है वरना फिर बैक, सो लेट्स गो फॉर दिस। एंड लास्टली नॉट द लीस्ट, हाउ कैन वी फॉरगेट टू यूज ड्यूट्रेंट, अनदर फेवरेट प्रोडक्ट व्हिच इज एल्यूमिनियम फ्री एंड फॉर ऑल डे आउटडोर प्रोटेक्शन। द बेस्ट पार्ट इज इट्स मेड विद नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, रोजमेरी एंड लेवेंडर, कीप्स योर अंडर आर्म्स स्वेट फ्री, मॉइस्चराइज्ड एंड आउटडोर लेस।
और एंड टाइम पे बाहर जाते हुए मैंने बन बना लिया रफ सा। नाउ वी आर ऑन द वे एंड यू कैन गेस वेयर वी आर गोइंग। हमेशा जब भी बजट चैलेंज होता है और मुझे फैब्रिक स्पॉट करना होता है सिमिलर काइंड ऑफ इंस्पो से, सो आई ऑलवेज गो टू राबी सेंटर। अब तक तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इसका रास्ता आपको याद होगा। आई एम सो श्योर ये वाला ब्रिज बीच में आता है हमेशा एंड इट्स माई फेवरेट ब्रिज बाय द वे। मुझे मेट्रो बहुत पसंद है, आई हैव ट्रेवल्ड ऑन मेट्रो अलॉट, तो इससे मेरी काफी एफिलिएशन है। बाय द वे नेक्स्ट व्लॉग्स में आई विल स्पॉट माई फेवरेट मेट्रो स्टॉप्स, क्योंकि हर स्टॉप डिफरेंट है और कुछ मेरे फेवरेट्स हैं। बाय द वे ये जो 6th रोड का स्टॉप है ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, और रहमानाबाद वाला भी। तो ये रहमानाबाद और 6th रोड का जो मेट्रो स्टॉप है उसके मिडिल में आता है राबी सेंटर। आप जिस भी स्टॉप से उतरें वॉकिंग डिस्टेंस पे थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा एंड यू कैन रीच हेयर इजीली। इट्स अ लकी डे क्योंकि यहाँ पे पार्किंग मिल गई है जो कि कभी नहीं मिलती, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेट्स सी हमें फैब्रिक मिलता है या नहीं। सो ख्वारी बिगिंस हेयर। बाहर निकल के मुझे लगा कि थोड़ी सी ठंड हो रही है क्योंकि शाम का टाइम स्टार्ट हो चुका है। फॉर्चुनेटली मैंने अपना कोट साथ रख लिया था, सो इट्स बेटर टू पेयर इट क्योंकि हम बेसमेंट में जाने वाले हैं जहाँ पे थोड़ी सी ठंड ज्यादा होती है। वैसे तो अभी तक हमने मिलके जो है वो ओल्ड राबी सेंटर और चाइना सेंटर जो कि आशियाना सेंटर के बिल्कुल साथ है वो भी एक्सप्लोर किया हुआ है, बट आई रियली वांटेड कि हम राबी 2 एक्सप्लोर करते हैं आज और देखते हैं यहाँ से हमें कैसा फैब्रिक मिलता है। आई बिलीव कि यहाँ पे थोड़ी सी लेटेस्ट शॉप्स हैं क्योंकि बिल्डिंग भी नई बनी हुई है, लेटेस्ट बनी हुई है। इससे याद आया कि मैंने फैब्रिक और दुपट्टा लेके रखा हुआ है। जो पिंक ड्रेस मैंने लास्ट ईयर ईद पे बनाया था उसका मैंने गिव अवे विनर अनाउंस करना था एंड दैट विल बी अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग। और जो भी विनर हो मुझे जल्दी से अपनी डिटेल्स शेयर करें ताकि मैं आपको फॉरेन से स्टिच करा के डिस्पैच कर दूं ऑन योर कस्टमाइज्ड फिटिंग्स, राइट। अच्छा तो सबसे पहले वी स्टार्ट फ्रॉम दिस एथनिक बुटीक ड्रेस जो कि सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है और इसमें साइजेस सारे खत्म हो चुके हैं, सो लेट्स ट्राई आवर लक। फर्स्टली हम जैकेट के फैब्रिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा एक्सक्लूसिव है और ये स्पॉट करना बहुत मुश्किल है, सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस वी हैव हियर। अच्छा एम्ब्रॉयडर्ड और गेंजा होगी ये कितना प्यारा है, दिस वन सो प्रिटी, मुझे ये चाहिए। मामा ये बारोक का नहीं लग रहा, वाओ ये गिर रहा है, ये किस तरह दे रहे हो भाई, ये वाला वाइट। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन देते हो जी जी। अच्छा ये किस तरह दे रहे हो, ये आपको 3500 रुपए का गज मिलेगा। 3500 रुपए गज, कुछ डिस्काउंट दोगे? कितना डिस्काउंट दोगे? हम एक्सेप्ट कर लेंगे, आप पहले ओके कर ले। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, इसमें और कलर्स हैं? इसमें कलर डाई करवाना पड़ेगा, डाई कराना है, डाई हो जाएगा ये? I think it's too fancy और ईद है, शादी नहीं है, so लेकिन मुझे ये पसंद बहुत आया था। स्टिच्ड है ना ये, 3 पीस है? किस तरह दे रहे हो ये? 15,000 में स्टिच्ड, और ये ऊपर क्या लगा हुआ है? शीशा और स्टोन है, ठीक है। 15,000, कोई डिस्काउंट नहीं दोगे? ये आपको 5,000 मिलेगा, 13,000 में। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें तो दे दोगे ऑनलाइन डिलीवर? सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवर करते हो या पाकिस्तान से बाहर भी? पाकिस्तान से बाहर, बाहर भी करते हो? ये दुपट्टा किस तरह? यहाँ पे देयर इज वन ऑप्शन कि ये तो बहुत प्रिंट है, अगर मुझे थोड़ा सटल सा अगर कुछ मिले तो उसमें एम्ब्रॉयडर्ड लुक देने के लिए हम थोड़ी ही सी ऊपर एम्बेलिशमेंट कर सकते हैं, बट जो बेस है वो थोड़ी सी सटल और डिसेंट होनी चाहिए। सीक्वेंट की एम्ब्रॉयडरी करना कोई मसला नहीं है, वो मैं अपने हाथ से भी कर सकती हूँ और किसी से करवाई भी जा सकती है। सो दिस इज नॉट द फैब्रिक वी वॉन्ट। 1500 शर्ट और सूट लें तो इसके नीचे शमीज सलवार ये है बहुत प्यारा, क्या प्राइस बताइए? 1500। कुछ डिस्काउंट करोगे? कितना डिस्काउंट करोगे? 1200 की शर्ट दो, शर्ट पीस। इसके नीचे ये देखें जरा, व्यूअर्स को दिखाएं, क्या प्लेन सूट भी आप लगा सकते हैं, ये जरा खोल के दिखाएं।
है ना, ये दुपट्टा और ये शर्ट, ये खुद पेयर किया, लेकिन अभी जो हम ढूंढ रहे हैं कुछ और है पहले इट्स वेरी नाइस, सॉरी भाई मैंने ये खोल दिया, ये और इसके साथ पिंक है ये, आई लव इट, ये किस तरह दे रहे हैं आप? 2200 रुपए की का सूट है। और अब हो गया इफ्तारी का टाइम, सो दे आर ऑल क्लोजिंग हियर। अब मुझे तो यहाँ पे अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से जाके हम कहीं करते हैं इफ्तारी, और मैं सोच रही हूँ कि गाड़ी यहीं पार्क रहने दूँ क्योंकि वापस आऊंगी तो जगह नहीं मिलेगी, आई एम सो श्योर अबाउट दैट। सो बाहर चलते हैं और रक्शे में बैठ के हम जाते हैं इफ्तारी करने, सही है। अब आपने गैस ये करना है कि कमर्शियल मार्केट में मैं इफ्तारी करने कहाँ गई हूँ और वो कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने इफ्तारी की है, क्योंकि आई एम ऑन डाइट तो जाहिर है मैं बहुत लेविश इफ्तारी करने नहीं जाऊँगी। और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि इस बजट चैलेंज में जो प्राइस रेंज है इसमें हमें फैब्रिक मिलेगा, और सबसे पहले कौन से ड्रेस का फैब्रिक मिलेगा ये ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, देखते हैं किसका गैस सही निकलता है। अभी हंट बाकी है, नेक्स्ट ब्लॉग लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हमने कितनी मुश्किल से फैब्रिक हंट किया है।